हेलो गाइस, मैं उलीशा, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज़ में। गाइस, यूपी के मेरठ जिले के सदर थाना क्षेत्र में लड़कियों के अंडर गारमेंट्स चोरी होने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी महिलाओं के अंडर गारमेंट्स को सूंघता था। गाइस, आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से घरों के बाहर सूख रहे महिलाओं के अंडर गारमेंट्स चोरी हो रहे थे। बीते शुक्रवार को सदर कबाड़ी बाजार के रहने वाले संजय चौधरी के घर के बाहर सूख रहे उनके परिवार की महिलाओं के अंडर गारमेंट्स चोरी हो गए, जिसके बाद संजय ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। संजय के घर के पास ही एक धार्मिक स्थल से आए दो युवकों ने उनके घर के बाहर सूख रहे महिलाओं के कपड़े चोरी किए और मामले का खुलासा होने पर क्षेत्रवासी भी हैरान थे। घटना से गुस्साए क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने रविवार को ही सदर थाने पर हंगामा करते हुए संप्रदाय विशेष के युवकों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया और इसी के साथ दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर देते हुए पूरे मामले के तंत्र मन से जुड़ा होने की आशंका जताई थी। घटना के बाद से पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एसएसपी कैंट सूरज राय ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए रविवार देर रात एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना नाम रोमिन पुत्र फहीम और सोतीगंज के रहने वाला बताया है। ये वही युवक है जो संजय के घर के बाहर सूख रहे महिलाओं के कपड़े चोरी कर ले गया था। वहीं दूसरे साथी का नाम अक्कास आशिक अली का जो पुत्र है और सोतीगंज का ही रहने वाला है। एसएसपी ने बताया कि फरार युवक को भी तलाश की जा रही है और वहीं सदर थाने के इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने सनसनीखेज खुलासा किया। इससे पहले भी रोमिन ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उन्होंने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।